गाइज, हम हमारे डे टू डे लाइफ में इस प्रकार की सेंटेंसेस की बहुत यूज करते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि स्नेहा चली गई, ऐसा क्या हो गया कि तुम बात नहीं कर रहे हो, ऐसा क्या हो गया कि तुम उदास हो। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ करेंगे, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है ऐसा क्या हो गया कि। चलिए सबसे पहले इसकी इंग्लिश जान लेते हैं। इसे हम इंग्लिश में फ्रेजेस करते हैं, व्हाट हैपेंड दैट, व्हाट हैपेंड दैट। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज कर देनी है व्हाट हैपेंड दैट, इसके बाद कंप्लीट सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ऐसा क्या हो गया कि तुम बात नहीं कर रहे हो, व्हाट हैपेंड दैट यू आर नॉट टॉकिंग, व्हाट हैपेंड दैट यू आर नॉट टॉकिंग। ऐसा क्या हो गया कि स्नेहा चली गई, व्हाट हैपेंड दैट स्नेहा लेफ्ट, व्हाट हैपेंड दैट स्नेहा लेफ्ट। ऐसा क्या हो गया कि बच्चे रो रहे हैं, व्हाट हैपेंड दैट द चिल्ड्रन आर क्राइंग, व्हाट हैपेंड दैट द चिल्ड्रन आर क्राइंग। ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझे कॉल नहीं कर रहे हो, व्हाट हैपेंड दैट यू आर नॉट कॉलिंग मी, व्हाट हैपेंड दैट यू आर नॉट कॉलिंग मी। ऐसा क्या हो गया कि तुम उदास हो, व्हाट हैपेंड दैट यू आर सैड, व्हाट हैपेंड दैट यू आर सैड।